हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे होम फूड किचन में आप लोगों का स्वागत है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दलिया तो आपने मीठा नमकीन बनाया होगा, आज आइए हम मीठा दलिया बनाएंगे। एक बाउल हमने दलिया लिया है, ये देखिए, और ये हमारा देसी घी एक बड़ा चम्मच। और अब हमने कढ़ाई को चूल्हे में रखा, ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी, उसमें जो हमने छोटा चम्मच घी लिया था उसको इसमें डाल दिया है। देखिए, ये अब हमारा कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हमारा घी भी गर्म हो चुका है। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, हमारा जो हमने दलिया है एक बाउल वो इसमें मैश कर दिया। ये देखिए, अब हमने दलिया कढ़ाई में घी में मैश कर दिया, इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये दलिया को हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारा दलिया ब्राउन ना हो चुका। आप भी एक बार कढ़ाई में बना के इस बार का दलिया देखिए, आपको ये दलिया बहुत अच्छा लगेगा। दलिया आप बनाते होंगे बहुत बार, लेकिन वो कुकर में बनाते होंगे, आप इस बार कढ़ाई में बना के देखिए, आपको दलिया ऐसे बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी होता है इसमें। देखिए, अब हमारे देखिए, आप देखिए, हमारा दलिया बिल्कुल ही ब्राउन हो चुका है, क्रिस्टी हुआ, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए, अब बिल्कुल ब्राउन हो चुका हमारा दलिया। अब इसके बाद हमने पहले ही दूध 1 लीटर लिया था, उसको हमने गर्म कर चुके थे। अब उसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये देखिए, दलिया के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा दूध को ऐड करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। देखिए, करछी के सहारे से हम घुमाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा दलिया गाढ़ा होता जा रहा है, दूध गाढ़ा हो चुका है। उसके बाद थोड़ा दूध हमने थोड़ा थकड़ के और ऐड कर दिया। ये देखिए, हमने दोबारा सा दूध और ऐड कर दिया, हमारा दूध, हमारा दलिया गाढ़ा हो गया था। अब हमने फिर उसमें दूध ऐड कर दिया। आप अपना स्वाद ज़्यादा अनुसार ज़्यादा या कम दूध मिला सकते हैं। धीरे धीरे आपको ज़्यादा गाढ़ा लगा तो आप और उसमें दूध ऐड कर सकते हो, आपको पतला लगा तो आप उसमें कम रहने मत मिलाइए। आप इस हिसाब से आपको दूध, अपने हिसाब से आप दूध को ऐड कर सकते हो, जितना गाढ़ा पतला आपको बनाना है उस हिसाब से दूध ऐड कर लिया। अब हमारा दलिया ढंग से दूध में मैश हो गया। देखिए, ये हमारा दूध, अब इसमें एक आध उबाल आ गया है। अब दलिया में देखिए, अब हमारा दलिया ये हमने घुमा दिया, मैश हो गया है। अब इसके बाद हम ये देखिए, हमारा डंगर ढंग से इसमें उबाल आ चुका है। इसके बाद हम अपने दलिये को इसमें हम थोड़ा सा, आपके पास कोई भी घर में चीज़ें अवेलेबल है, जो भी चीज़ें आपके पास है वो डाल सकते हो। मेरे पास थोड़ा इलायची पाउडर है, मेरे को इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको डाल लेती हूँ। और कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट है, आप अपने अनुसार, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप ज़रूरी है डालना, नहीं, वो तो ऑप्शनल है। अब इसके बाद हम लास्ट में एक बाउल चीनी डालेंगे। ये देखिए, ये अब हमने एक बाउल चीनी डाल दी है। आप जितनी चीनी डालना चाहते हो, आपको ज़्यादा पसंद है थोड़ा और बढ़ा के डाल दीजिए, आपको कम पसंद है तो ठीक है, आप उस हिसाब से चीनी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, ज़्यादा कम कर सकते हो। ये देखिए, अब ये मेरे जो दलिया है उबल चुका है, देखिए ढंग से, और इसको मैं घुमाते रह रही हूँ। ये बिल्कुल, ये अब हमारा दलिया ढंग से पक चुका है। ये देखिए कितना अच्छा, और इसमें एक दो उबाल भी आ चुके हैं, और क्रिस्पी और कितना लसेदार हो गया, देखिए बिल्कुल भी, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, आप भी एक बार इस प्रकार कढ़ाई में दलिया बना के देखिए और मुझे बताइए आपको ये दलिया कैसा लगा। ये देखिए, मेरा दलिया तैयार हो गया है। मुझे तो कढ़ाई का ही दलिया अच्छा लगता है, मैं कुकर में बहुत कम बनाती हूँ, मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। एक बार ज़रूर आप भी दलिया को ट्राई कीजिएगा।